महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम बुधवार को मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया और यह भारी मतों से पास हो गया। आज दिनांक 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पहली दफ़ा 1996 में यह महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था और 27 सालों से लटका हुआ यह बिल कल लोकसभा में भारी मतों से पास हो गया। यह 27 साल में सरकारों की ढुलमुल नीति और गलत नियत के कारण आज तक पास नहीं हुआ था। इसके अंतर्गत महिलाओं को संसद और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। दोनों सदनों में अब तक, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, 7500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, जबकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 600 रही है। अभी लोकसभा में 15% महिला सांसद हैं और राज्यसभा में 11% हैं। इससे महिला और पुरुष को साथ साथ काम करेंगे और महिलाओं में जो शक्ति है, जो ताकत है, वो अपनी क्षमता को दिखा पाएंगी और देश को आगे बढ़ा पाएंगी।